iPhone. यहाँ पे देखिए पूरे 3 घंटे लगे मुझे यहाँ पहुँचने में, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत ही वर्थ इट था, क्योंकि जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा इतनी खूबसूरत सुंदर मंदिर बनाए यहाँ पे, और मैं शिव जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, भक्त हूँ। मेरे स्क्रीन सेवर पर भी शिव जी की फ़ोटो रहती है हमेशा, और ये माँ काली की जो मंदिर बनी है यहाँ पे, एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आई विश कि आप सब जो ये देख रहे हैं, आपके नसीब में यहाँ पे आने का नसीब में हुआ, यहाँ पे आप आए और माँ काली के दर्शन लें। शिव जी की मूर्ति है मेरे पीछे, बहुत ही सुकून मिल रहा है और मैं बहुत बहुत खुश हूँ। थैंक यू प्रियंका पॉल जी मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। मेरा दिल, मेरी आत्मा सब खुश होगा। हाँ जी, कुछ मांगा नहीं है, बस शुक्रिया अदा किया कि जो भी मेरे लाइफ में ब्लेसिंग्स हैं वो उस उनके लिए, और आगे जाके बस वही ब्लेसिंग्स जो देते आ रहे हैं वो बरकरार रहे हैं। बस बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, और जैसे कि आप देख सकते हैं आसपास बहुत हरियाली है, तो जब आप एक मंदिर नेचर के बीच में बनाते हैं तो वो नेचर की जो एनर्जी है मंदिर के अंदर भी आ जाती है। ऑफ कोर्स मूर्तियां हैं यहाँ पे, तो बहुत ही आई थिंक कि बना होगा वास्तु को नज़र में रखते हुए, तो एनर्जी बहुत स्ट्रांग है और बहुत अच्छा फील हो रहा है। मेरी एक फ़िल्म अभी कुछ दिन पहले कंप्लीट हुई है, ट्राइलिंगुअल फिल्म है, हिंदी तमिल और तेलुगू में शूट किया हमने, तो पोस्ट प्रोडक्शन जारी है, तो आने वाले 3-4 महीनों के अंदर वो रिलीज़ होगी, और एक वेब सीरीज़ भी है जो अभी पोस्ट प्रोडक्शन में, तो ये 2 प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी कंप्लीट है। अगले महीने से एक फिल्म की शूट शुरू कर रहा हूँ, और फिर सितंबर से एक शो का शुरू होगा। थैंक यू। सॉरी, स्थापना किया गया मंदिर में, क्या कहना चाहोगे? बोलना। देखिए, दिस इज़ माई ड्रीम, एक्चुअली मेरा ड्रीम है ये, आज का नहीं है, काफ़ी साल हो गए कि मैंने बोला था कि मैं अपना घर बाद में बनाऊंगी, मंदिर पहले। एक्चुअली 5 सितंबर को मेरा बंगलों का भी इनोग्रेशन है मलाड में, ओबरे मॉल के पास, सो पहले ये मंदिर का इनोग्रेशन कर रही हूँ। एंड ये मतलब ड्रीम्स कम ट्रू, ये ट्रू हुआ है आज ड्रीम। सो मैं बहुत खुश हूँ कि माता रानी मेरी आई है और उन्होंने ब्लेस किया कि मैं ये कर पाई, इस लायक समझा मुझे। आई एम बस यही बोलना चाहूँगी, दैट्स इट, थैंक यू। प्राण प्रस्थान हुआ मंदिर में, कैसे यहाँ का आपने वाइब देखा, भगवान का दर्शन भी किया? बहुत अद्भुत कार्य हो रहा है, देवाधिदेव महादेव है, देवाधिदेव सभी देवताओं के देवता भगवान शिव है, महादेव है, और वो काली माँ के पैर के नीचे सोते हैं। सुप्रीम पावर काली माँ है, ये बता रहे हैं भगवान महाकाल शिव। जो कोई काली माँ का आराधन करता है उस पर भगवती महालक्ष्मी महासरस्वती दुर्गा परमेश्वरी की कृपा हो जाती है, धन धान्य सुख समृद्धि ऐश्वर्य उसको प्राप्त होता है, परिपूर्ण स्वास्थ्य बलिष्ठता सुंदरता पराक्रम सुकीर्ति वैराग्य सब कुछ काली माँ प्रदान करती है, परम ज्ञान विज्ञान प्रज्ञान प्रदान करके मोक्ष प्रदान कर देती है। इसलिए काली माँ भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करने वाली है, भौतिक सुख समृद्धि ऐश्वर्य सभी प्रकार के सुख
और मोक्ष ये दोनों प्रदान करने वाली कालिका परमेश्वरी जहाँ पर विराजमान हो जाती है वह पूरा का पूरा क्षेत्र परम पवित्र हो जाता है, सुखी हो जाता है। आदरणीय बहन जी प्रियंका दीदी ने यहाँ पर स्थापना करके ये पूरे ईस्ट विरार का परम मंगल कर दिया है, परम कल्याण कर दिया है। दीदी के जैसा कार्य सब क्षेत्र में होना चाहिए जिससे भारत फिर से सोने की चिड़िया बन जाए, जगत गुरु बन जाए, चक्रवर्ती सम्राट बन जाए। अगर भारत माता का पुनरुत्थान करना है, पुराना वैभव भारत माता को फिर से प्रदान करना है, भारत को चक्रवर्ती सम्राट बनाना है, वैश्विक महाशक्ति बनाना है, तो आदि पराशक्ति पर ब्रह्म स्वरूपिणी जगदम्बा कालिका परमेश्वरी का आराधन करना बहुत आवश्यक है। प्रियंका दीदी को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस पूर्व विरार क्षेत्र को श्री जगदम्बा का शक्ति क्षेत्र बना दिया है। इसी प्रकार से इनके द्वारा प्रेरणा प्राप्त करके अन्य लोग भी कार्य करें और भारत माता को जगत गुरु, सोने की चिड़िया और चक्रवर्ती सम्राट बनाने के लिए योगदान प्रदान करें। ओम काली आपका कहने से काफी मैडम आप क्या कहना चाहेंगे, काफी महान सेलिब्रिटी आए यहाँ पे, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए महान सेलिब्रिटी नहीं होते हैं, महान महाराज होते हैं। सेलिब्रिटी बहुत अच्छे होते हैं, वो आते हैं, लोग एंटरटेनमेंट करते हैं, उनका भी भाव है तो आए हैं, नहीं तो उनका भी फ्लाइट था, नहीं तो वो नहीं आ पाते। पहले तो क्या बोलते उसको अनारा मेरी फ्रेंड ने उस हिसाब से वो आए थे, और दूसरे जो आए थे उनको हमने रिक्वेस्ट किया था कि मंदिर है, उनका भी भाव माँ के साथ बहुत है तो आए थे। और दूसरा इनका तो बात ही अलग है, इनका कहीं पर उद्घाटन था लेकिन वो वहाँ पर मैंने बोला कि आप प्लीज़ एक बार अगर आएंगे, इनको मैं निवेदन किया कि अगर एक बार आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपके हाथों से एक बार आरती हो जाएगी, माँ भी खुश और जितना यहाँ पे जनता है वो भी खुश। तो आभारी मैं इनकी हूँ कि वो आए यहाँ। दीदी ने बुलाया, ये मेरा सौभाग्य है, काली माँ के चरणों में बुलाया इतने दिव्य आपके दर्शन हुए, हमारा सौभाग्य है। मैम आज एनिवर्सरी है, कितने दिन पूजा चलेगी उसके बारे में? 3 दिन है। देखिए आज स्थापना है, कल रुद्राभिषेक है और भजन भी है, और तीसरे दिन जो है माता का जागरण है पूरी रात। तो 3 दिन है, आज कल और परसों। तो सबको इनविटेशन है, जो जो भी आना चाहे, आपके द्वारा ये मैसेज दे रही हूँ, प्लीज वेलकम, है ना। बहुत अच्छा फील हो रहा है, मैं वैसे बहुत ज्यादा रिलीजियस भगवान से मेरा बहुत ज्यादा अटूट प्यार है, और अपने आप को इतना सौभाग्यशाली समझ रही हूँ, भाग्यशाली समझ रही हूँ कि आज इनॉग्रेशन हो रहा है मंदिर का और मैं उपस्थित हूँ। थैंक यू करना चाहूँगी प्रियंका पॉल को और स्पेशली श्रद्धा दीदी को कि जिन्होंने मुझे इनवाइट किया और मुझे इस इतने बड़े इवेंट का हिस्सा बनाया, क्योंकि एक्टर्स की लाइफ में बहुत कम समय ऐसा होता है कि जो इस तरह के जब कोई इवेंट होते हैं जहाँ पे आपकी आत्मा जुड़ी होती है और आप उसका हिस्सा बनते हैं, तो ऐसा ही हो रहा था। मैंने जैसे माँ लक्ष्मी जी की माँ काली जी की मूर्ति देखी मैं बहुत इमोशनल हो गई, मुझे लगा था मैं रो दूंगी। अपने आप को सच में बहुत ज्यादा ब्लेस्ड थैंकफुल हो गई मैं यहाँ पे आके, आपको मंदिर में क्या अच्छा लगा, क्या फीलिंग है? बहुत सुंदर माँ की मूर्ति बहुत पावरफुल है, माँ तो क्योंकि माँ है ही, सबको अच्छी लगती है, लेकिन सच में बहुत अच्छी, मैं मुझे ऐसा लगता था कि मैं सच में रो दूंगी, और बहुत अपने आप को बहुत इमोशनल और बहुत हल्का फील कर रही हूँ। आई थिंक यही बहुत बड़ी बात है जब आप किसी रिलीजियस प्लेस पे आते हो और आप अपने आप को बहुत लाइट फील करते हो, तो मतलब आप कनेक्ट कर रहे हो माँ से, आई फील सो कनेक्टेड, मतलब ऐसी फीलिंग है शायद मुझे मैं उसे शब्दों में बयान कर रही हूँ। मुझे लगता है सब जो दिया है उन्होंने, बस यही मांगना आशीर्वाद मुझसे मेरे परिवार पे और सब पे बनाए। अंधेरी से आगे इन्वायरमेंट कैसा यहाँ का? अच्छा इन्वायरमेंट है, अंधेरी से आगे ट्रैफिक है, लेकिन ट्रैफिक के बाद जो ग्रीनरी है, मैं यहाँ शूट करके गई हूँ 2 बार में, तो बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है। लास्ट टाइम मैं शूट करके गई थी तो अमूल डेयरी वाले से देसी घी के डब्बे लेके गई थी, मुझे लगता है अभी भी लेती हुई जाऊँगी, तो अच्छा फील है। वेदर बहुत सुंदर है, इतनी भाग दौड़ की जिंदगी में, इतने पॉल्यूशन में आपको चला के आप अच्छा
अच्छा एनवायरमेंट देंगे तो हो सकते हैं। आपके आने वाले पॉजिटिव बहुत सारे रिलीज हुई, मैं तेरी दुल्हन दूल्हा तो मेरा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया पब्लिक ने, और उसके बाद बजरंग आ रही है पवन जी के साथ, बस बहुत सारी फिल्में आ रही है, बस यही चाहती हूँ कि पब्लिक फिल्म देखे, उन्हें सराहे, उन्हें प्यार दे और ज्यादा से ज्यादा और काम करें। थैंक यू।